आत्मन, सचेत अवस्था में रहने का नाम ध्यान। जितनी आप में सावधानी है उतना ध्यान। एकदम सचेत, सचेतन भाव, चेतन आत्मा, सचेत अवस्था। चैतन्य के संग होने का परिणाम, चैतन्य के साथ होने का परिणाम। चेतना ही मेरे साथ है, चेतना ही मेरे संग है आत्मा। मैं चैतन्य आनंद घन पिंड परमात्मा, शुद्ध बुद्ध अनंतानंत गुणों का धारी, जायक भगवान आत्मा हूँ चेतन। जागो आत्मा, जागो अपने अंतरात्मा से जागो। स्वयं का बोध जगाओ मेरे प्यारे चेतन। आत्मा ही शुद्ध है, बुद्ध है, पूर्ण परम तत्व परमात्मा है, परम अतींद्रिय आनंद में खो जाओ आत्मन। ध्रुव अतींद्रिय आत्मा में खो जाओ। ओंकार के ऊर्ध्व स्वर में चेतन आत्मा, अरम नाद में खो जाओ चेतन। अपने में खो जाने का नाम ध्यान चेतन आत्मा। ऐसे अंतर में खो, ऐसे निज में खो कि अब दोबारा बाहर आने का अवसर ही ना मिले चेतन। ऐसे डूब जाओ अंतस में चेतन आत्मा। आत्मा ऐसा परम स्वभाव मान है, परम स्वभाव वाला चेतन, परम स्वभाव वाला। ऐसे परम अतींद्रिय आनंद में, निष्कलेश भाव में रम जाओ आत्मा, रम जाओ, रम जाओ। ऐसे आत्मा अपने परमात्म स्वभाव में रमे रमैया, रम जाओ रे रमैया, हो जाओ अंतर आत्मा के रंग में, रंग जाओ चेतन प्यारे।
नमो वैष्णवे नमो नमो ओम नमो वैष्णवे नमो नमो। देख लो आत्मा कहीं भी कुछ नहीं है, कुछ मानना ही अज्ञान है। थोड़ा सा भी कुछ मानोगे तो अज्ञान तपेरेगी, थोड़ा सा भी कुछ मानोगे, कहीं भी कुछ मानोगे तो अज्ञान तपेरेगी। थोड़ा भी अज्ञान इस आत्मा को पतन की ओर लेके जाएगा। आत्मा थोड़ा भी अज्ञान दुर्गति का कारण बनेगा। चेतन कुछ मानना ही महाअपराध है। चेतन आत्मा कुछ भी मानना, कुछ भी कहीं भी कुछ भी मानना अपराध है। इस जगत में ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा। इस जगत में ना कोई राग में है ना कोई द्वेष में है। इस जगत में ना कोई अपना है ना कोई पराया। यदि इसके बाद भी तू कुछ मानेगा, अच्छा या बुरा, अपना या पराया, सुख या दुख, करना या धरना, कुछ भी मानेगा, एक बूंद भी कुछ भी मानेगा चेतन आत्मा, 1% भी कुछ भी मानेगा, तो बिना दुख हुए नहीं रहेगा चेतन, बिना वेदना के नहीं रह पाएगा। क्योंकि अज्ञान रूप मानना ही संसार में भयानक दुखों का घर है चेतन आत्मा। अति भयानक दुख, बहुत ही भयानक दुख, जिन भयानक दुखों का कोई अंत नहीं है। संसार इन भयानक दुखों की खान है आत्मा, खान, और दुखों का जन्मदाता ज्ञान है अज्ञान। यहाँ आपने मान्यता दी और महा अनंत वेदना प्रारंभ हुई चेतन। अनंत दुख, अनंत और अज्ञान को मानने से दुख होता है। बस ये मान्यता स्थायी नहीं, ये मान्यता कर्मजन्य होती है। यदि आपका दुख भोगने का काल है तो राग की या देश की मान्यता आपके अंतर में जन्म लेगी। ये मान्यता अज्ञान का पोषण है और ये अज्ञान की मान्यता आपको अस्थिर करके रखेगी, अस्थिर। बस इतना ही काम है इसका, आपके पुरुषार्थ को दबाने का ही काम है बस, कि आप इस क्षणभंगुर मान्यता के चक्रव्यूह में उलझ जाओ। क्योंकि सम्यक दृष्टि श्रावक मान्यता तो अपने ध्रुव स्वभाव को ही है, लेकिन यह अज्ञान जन्य मान्यता उसके श्रद्धान को मलिन करने का काम करती है। बस इतना ही कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं। उसकी श्रद्धा में मात्र दोष लगा सकती है बस। उसकी स्थिरता, ज्ञान स्थिरता की साधना में बाधा डाल सकती, वस्तु स्वरूप के प्रकाश में बाधा डालेगी बस। और ये अज्ञान में क्षणभंगुर मानता जो तात्कालिक परिस्थितियों निमित्तों से उत्पन्न हुई है, कर्म धाराओं से उत्पन्न हुई है, इस मानता से ऊपर उठो आत्मा जी। इस नाना प्रकार की मान्यता धारणाओं से ऊपर उठो। अच्छा बुरा, सुख दुख, न्याय अन्याय कुछ नहीं है यहाँ। करना धरना बोल
करना धरना बोलना बताना सुनना समझना कुछ भी नहीं, कहीं भी कुछ भी नहीं, कहीं भी कुछ भी नहीं है आत्मा, कहीं भी कुछ भी नहीं। एक सुख आनंद कंद चैतन्य पिंड आत्मा, सुखी सुख का पिंड, सुखी सुख का निधान, सुखी सुख का स्वामी, अंतर सुख में आत्मा। ज्ञातावन के जीवन जीना, इसके नाम को, इस जीने की कला को जीवन कहते हैं। ज्ञायक भाव जब प्रकट होगा तब होगा आत्मा। ज्ञायक स्वभाव को प्रकट कर लेना, इसका ही नाम जीवन है। बस ज्ञायक स्वभाव को प्रकट कर लेना, अपनी दृष्टि में अपने उपयोग को अपने ही भाव में रमा के स्वयं मात्र ये जानना कि बस जाननहारा जान रहा है और सारा विश्व परिणमित हो रहा है। मैं आनंद स्वरूप आत्मा मात्र आनंद का उद्घोष करने वाला हूँ। आनंद ही मेरा रूप है और ये सारा संसार कलेश में है, दुखी है। क्यों? कारण क्योंकि अज्ञान में हो रहा है। लेकिन देखो, मैं आनंद स्वरूप, मेरी दृष्टि में कलेश नहीं, मेरी दृष्टि में मात्र आनंद है। ये प्रकृति आनंद है, ये प्रकाश आनंद है, ये पक्षियों की चहचहाट आनंद है, ये पवन आनंद है, चेतन आत्मा, ये चारों ओर बिखरी हुई शांति आनंद है, अपने अंतर में अपना सुख आनंद है। अपनी दृष्टि में यदि आनंद है तो चारों ओर आनंद ही आनंद है। और यदि अपनी दृष्टि में आनंद नहीं, अपने अंतर में आनंद नहीं, तो चारों ओर दुखी दुखे चेतन। यदि मैं परमात्मा आनंद स्वरूप हूँ ऐसी स्वीकारता है, तो चारों ओर वे आनंद स्वरूप भगवान आत्मा ही है। कहीं कोई दुखी नहीं है, कहीं कोई निंदक नहीं है, कहीं कोई प्रशंसक नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है भगवान, कहीं कोई आकुलता नहीं है, कहीं कोई प्रतिकूलता नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है चेतन आत्मा, कहीं कुछ भी नहीं है। सिर्फ आनंद है, सिर्फ आनंद और आनंद, कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं, कैसे भी नहीं, सिर्फ आनंद, सिर्फ आनंद और सिर्फ आनंद। चेतो प्यारे आत्म, चेतो 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 चेतो, चेत जाओ, अंतर में जाग जाओ आत्मा। कुछ नहीं है, कहीं भी नहीं है, वास एको हम, एक रूपो हम, एक है, एक स्वभाव है, एक शक्ति है, एक सत्ता है, वो है मेरा परिपूर्ण आत्मा।
एक भाव सिद्ध है मैं ज्ञान मात्र, एक भाव शुद्ध है मैं ज्ञान मात्र, एक भाव प्रसिद्धि पा रहा है मैं ज्ञाता मात्र हूँ, बस एक ज्ञान भाव, बस एक ज्ञान भाव, एक ज्ञाता भाव ही प्रसिद्धि पा रहा है चेतन। ज्ञान में आत्मा ही प्रशंसनीय है, बस बाकी अज्ञान कलेश तो दुख का कारण है चेतन। अकर्ता भाव ही प्रसिद्धि पा रहा है चेतन, बाकी करना धरना तो सब कलेश है, कलेश कलेश महाकलेश, आत्मा महाकलेश में है ये संसार। उठो उठ जाओ प्यारे आत्मन, इस कलह रूप संसार से छूटना है तो आत्मज्ञान का अंतर रहस्य प्रकट कर लो, तत्व ज्ञान का रहस्य प्रकट कर लो आत्मा, तत्व ज्ञान का रहस्य प्रकट कर लो। ॐ नमः वंशते नमो नमः, ॐ नमः वंशते नमो नमः, ॐ नमः वंशते नमो आभार आत्मन, जागे रहो। निष्क्रिय होने का नाम ध्यान है, निष्क्रिय। जब तुझे कुछ नहीं करना तभी तेरा ध्यान होगा, ध्यान नहीं करना तो ध्यान है और ध्यान करना है तो अज्ञान है। निष्क्रिय होने का नाम साधना है, पर से निष्क्रिय, ना शुभ भाव का करता ना अशुभ भाव का करता, ना पुण्य की क्रियाओं का करता ना पाप की क्रियाओं का करता, मात्र जाननहारा, मात्र जाननहारा, मात्र जाननहारा। पर के लिए निष्क्रिय और अपने जाननहार स्वभाव के लिए क्रियावान। मेरी क्रिया जाननहार है, मेरी क्रिया देखना है, मेरी क्रिया आनंद है, मैं अनंत सुख में हूँ, बस मैं ज्ञान रूप अनंत हूँ, मैं ज्ञान रूप अनंत हूँ, मैं ज्ञायक रूप अनंत हूँ, मैं ज्ञायक रूप अनंत हूँ। करना धरना ज्ञान है, और कुछ नहीं करना ही ज्ञान है चेतनात्मा। कुछ ना करो तो ही आत्मज्ञान है, कुछ ना करना पड़े तो ही आत्मज्ञान है।
कुछ ना हो तो ही ज्ञान चेतनात्मा, और नहीं तो अज्ञान ही अज्ञान में, अज्ञान ही तो अज्ञान में हो रहा है। मूल मति संसार तो मूर्ता में हो रहा है, अज्ञान में हो रहा है। इस मूर्ता युक्त संसार में कुछ भी सत्य नहीं है चेतनात्मा। ये मूल मैं संसार असत्य है, असत्य। जागो आत्म प्यारे, जाग जाओ, अंतर से अंतर शक्ति का बोध जगाओ। ऐसा अनमोल क्षण कभी नहीं आएगा जीवन में। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म स्वभाव के बोध की बात, ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा ब्रह्म स्वभाव में रमने का अवसर, ऐसा स्वचतुष्टय में धूमने का अवसर, स्वयं को अपनाने का अवसर, स्वयं को पाने का अवसर, फिर दोबारा प्राप्त होने वाला नहीं है आत्मा। दोबारा ये अवसर प्राप्त होने वाला नहीं है। उठो आत्मान, प्यारे आत्मान, ज्ञायक में रमना है बस। शरीर में होने वाली सारी वेदनाएं अपनी आत्मा से भिन्न है। संयोग में चलने वाले सारे कर्म अकर्म है, अर्थात पुद्गल के द्वारा होने वाली क्रियाएं हैं। उन कर्मों का कर्ता धर्ता मैं आत्मा नहीं हूं। मैं आत्मा तो अकर्ता अभोक्ता, आठ कर्म से मुक्त शाश्वत सिद्ध समान आत्मा। मेरी आत्मा निर्दोष है, मेरी आत्मा निर्विकार है चेतन। मैं आत्मा निर्दोष हूँ, मैं आत्मा निर्विकार हूँ, मैं आत्मा ही अनंत अनंत गणों की खान। कर लो आत्म से मिलन ज्ञानी, कर लो आत्म से मिलन। आत्म मिलन कर लो रे प्यारे चेतन, वो परम जाननहार जो अभी जान रहा है, जो शांत है, जो देख रहा है, जो अभी आनंद में है, जो अभी सब कुछ सब कुछ सब कुछ अनुभव कर रहा है, वो मात्र ज्ञाता दृष्टा सुख स्वरूपी आनंद में दृष्टि का धारी, चारों ओर सिद्धों समान सुख देखने वाला। मैं सिद्ध, तू सिद्ध और सर्व सिद्ध का सिद्धांत जानने वाला, सिद्धि का विलास करने वाला वो आत्मा ही सर्वत्र सिद्ध है। मैं ही हूं, बस एक ललकार लगाओ, सब कर्म कालिमा मिनट जाएंगे चेतन। एक हंतकार से सब अज्ञान मिला जाएगा। एक विश्वास में सारा विष खत्म हो जाएगा। इंद्रिय विषय भोग की दृष्टि मिला जाएगी आत्मा। एक ध्रुव आत्मा का विश्वास कर लो, विश्वास। मैं हूं सिद्ध भगवान, मैं हूं सिद्ध भगवान।
सावधान अपने में रहना, यही श्रावक का आचार्य है चेतन। श्रावक का आचरण सावधान रहना है, सावधान सावधानी ही, सावधानी चैतन्य में आत्मा का मिलन है। आत्मा सावधानी ही अपना परम स्वभाव है। आत्मा से मिलन कर लो चेतन, अज्ञान कुरीतियों को छोड़ दो, अज्ञान कुरीतियों के भाव छोड़ दो। आत्मा जगत में कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, ना कोई किसी को सुखी कर सकता, ना कोई किसी को दुखी। सर्व पुण्य पाप भाव है चेतन, सब पुद्गल परिणाम है बस। यदि किसी को सुखी दुखी करने का भाव है तो मैं अंतर, या तुम किसी सुखी दुखी होते हो तो तुम अज्ञानी हो चेतन। अपने मन के हारे हार और मन के जीते जी, मन से जो हार गया वो जीवन से हार गया, और मन को जिसने जीत लिया वो जिनेन्द्र पद में आगे निकल गया चेतन। आत्मा संयोग में जो हो रहा है वो सब अनर्थ है, अनित्य है, और अंतर स्वभाव में जो होगा वो नित्य है और शुद्ध है। जागो आत्मन, अपने स्वा समय में आत्मा का बोध जगाओ। बाहर होने वाला अनित्य परिणाम है, अनित्य। और अंतर में जो जाग रहा है वो नित्य है आत्मा। अंतर में जो जान रहा है वो नित्य है। ओ प्यारे आत्मा, नित्य और अनित्य के इस भेद को जान के, इस गुप्त आत्मा के रहस्य को पहचान के, नित्य का वर्ण कर लो, नित्य की परिणति में रम जाओ।
नित्य का वरण कर लो, नित्य को अपना लो और अनित्य का त्याग कर दो, आत्मा अनित्य को छोड़ दो। नित्य की महिमा कर लो चेतन और अनित्य का त्याग कर दो। नित्य को अनुभव में ले लो आत्मा और अनित्य को त्याग कर दो चेतन। जागना ही उपाय है, बस जागो प्यारे भगवान, जागो प्यारे आत्मन, जाग जाओ तुम स्वयं भगवान, जाग जाओ तुम स्वयं। जागो 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 मेरे चेतन, जाग जाओ मेरे प्यारे आत्मन, उठ जाओ मेरे प्यारे चेतन आत्मा, उठ जाओ। अंतर आत्मा का बोध जगाओ, बोध। सरल रहो, सहज रहो और जागृत रहो। ओम आत्मन, बस इतना ही मोक्ष मार्ग है। अपने में डटे रहना ही आत्म साधना है। अपने ध्यान को प्रकट कर लेना ही धर्म ध्यान है और आत्म ध्यान को धारण करके, निज स्वभाव का ध्यान धारण करके एकदम स्थिर चित अपने निर्विकल्प पद का वेदन करना, बस कि सर्व पर्याय से परिणमन से पार मैं परमात्मा ही परम ध्रुव शुद्ध हूँ। सर्वद्रव पर्यायेषु केवलस, समस्त द्रव गुण पर्यायों को, समस्त लोक अलोक को झलकाने वाला यह आत्मा परम आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, शुद्ध स्वभावी आत्मा है, परमानंत परम ज्योतिमय है। बस चैतन्य आत्मा चिदानंद में झलक जाओ, बस चैतन्य आत्मा अनादि अनंत में झलक जाओ, बस एक रूप त्रिकाली मेरा ज्ञायक 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 ज्ञायक। होश में आ जाओ चेतन, आत्म सरति जगा लो, बस। ओम नमः वंशदे नमो नमः, 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 ओम नमः, ओम।
ॐ नमः वंशिने नमो नमः ॐ नमः वंशिने नमो ज्ञान आनंद ही मेरा धाम और मात्र जानना मेरा काम। यह जिनवर भगवान ने जो कहा है, यह जिनवर का सिद्धांत, यह जिनवर द्वारा कहा हुआ सिद्धांत है आत्मा। इस सिद्धांत को जो सिद्ध कर लेगा वो इस लोक में सिद्ध परमात्मा हो जाएगा, और जो इस सिद्धांत को सिद्ध नहीं कर पाएगा वो इस लोक में भव भ्रमण करता हुआ अनंत भयानक संसार के दुखों को भोगेगा। दुखों से भुगतान से मुक्त होना है तो जिनवर भगवान के सिद्धांत को सिद्ध करना है। ऐसा ही भाव बनाओ आत्मा कि मैं सिद्ध परमात्मा सिद्ध समान हूँ। बस तीन लोक के अग्र में बैठे सिद्ध भगवान के समान अपने निर्विकल्प बिंद रूप का अनुभव करो, बस यही मोक्ष है, यही मुक्ति है, उसमें ही कल्याण है। ओम।